आ गया भारत में कोरोना वैक्सीन। मेरा भारत चमक रहा है, मेरा भारत नियंत्रण विकास कर रहा है। उन वैज्ञानिकों को बधाई जो 135 करोड़ देशवासियों के जीवन के लिए रक्षक बने हैं। कोरोना वैक्सीन बनकर आज तैयार हो गया है और आज लगाया भी जा रहा है। लगातार जिस तरह से शनिवार को लगाया गया, यह हार्दिक बधाई उन वैज्ञानिकों को। आज कोरोना वैक्सीन को देखते हुए आप जिए हजारों साल, आपको सुबह सुबह कोट कोट प्रणाम। आओ चलें सुबह सुबह शुद्ध पर्यावरण हवाओं के साथ, प्रदूषण की करें खात्मा। अपने गांव शहर में पेड़ पौधे अधिक लगाएं, आप हमेशा स्वस्थ जीवन जिए। आज सुबह टाइम्स टीम यही कामना करती है। सुबह सुबह काम धेनु गाय माता को नमस्कार। मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि कामधेनु आयोग बनाया गया है, जो 6 फरवरी 2019 में यह आयोग तैयार हुआ बनकर। क्या आप गाय माता को आप कितना आशीर्वाद लेते हैं? आइए दिन पर दिन आप गाय माता को गुड़ और जो है रोटी आप खिलाइए, आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। आइए कामधेनु माता को हम सब नमन करें, नमस्कार करें, डेली आशीर्वाद लें। आओ एक साथ मिलकर नए युग की शुरुआत करें। नया वर्ष, नया सोच, नई उमंग और नई खोज के साथ आगे, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अपना घर हो या अपना देश, इसे विश्वास के लिए मजबूती के साथ नवनिर्माण करें। राष्ट्र को और शक्तिशाली बनाएं। मानव जीवन सबसे बड़ा जीवन है। अच्छा खराब मनुष्य ही सोचता है। तो हम सब आओ गाय माँ को सुबह सुबह नमस्कार करें। गाय माँ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गाय का दूध, दही, घी, मक्खन सब कुछ मनुष्यों के लिए फायदे ही फायदे हैं। यदि आप गाय का दूध अपने बच्चों को देते हैं दिन प्रतिदिन, तो आपका बच्चा मस्तिष्क से तेज होगा, पढ़ने लिखने में तेज होगा और सारे विटामिन जो है गाय माँ के गुड़ से, दूध से मिलेगा। गाय का दूध अवश्य पीना चाहिए सभी को। गाय के दूध में बहुत सारे गुण तत्व पाए जाते हैं, जो मनुष्यों के जीवन में सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है। जीवन में सबसे बड़ा गुणकारी दूध, घी, मक्खन में सब कुछ पाया जाता है। भारत सरकार अब कामधेनु गाय की आयोग बनाया गया है। गाय माता को संरक्षण सुरक्षित करने के लिए कामधेनु आयोग का स्थापना 6 फरवरी 2019 में कर दिया गया। आइए हम आपको एक रिपोर्टिंग दिखाते हैं। रिटायर फौजी राजेश गुप्ता जी लगातार आज समाज को और सामाजिक सुधार के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आज सुबह टाइम्स को अपना कमेंट करते रहते हैं और उनकी हर एक संदेश देशभक्ति के लिए जोश जुनून के साथ लेकर आती है। आइए हम कामधेनु के बारे में भी राजेश गुप्ता जी से सुनते हैं, यह महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग है। आप लोगों को मालूम भी होगा और काफ़ी दिनों से आप लोग चर्चा में इसको सुन रहे होंगे कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जिसको कि हम लोग RKA भी कहते हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जिसकी कि भारत सरकार ने स्थापना 6 फरवरी 2019 को की थी, उसका मकसद था, उद्देश्य था, पर्पस था कि हमें अपनी गौ माता को, जो हमारे गौवंश हैं, उनका संरक्षण और समर्थन करने के बारे में। आपको बहुत ही हर्ष के साथ ये बताते हुए चल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई कथीरिया जी ने जो काम इस समय कर रहे हैं, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय है और उनको इस कार्य के लिए हम सलूट करते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने दिवाली पर बहुत से ही जो है गाय के प्रोडक्ट बनाए और लोगों को प्रोत्साहन दिया। लोगों ने बहुत सारी गाय के चिप्स दिए, पता नहीं कितने सारी चीज़ें बनाई, जो वास्तव में बड़ी ही प्रशंसा की चीज़ें हैं। और जो पंचगव्य है आयुर्वेदिक दवा, जिसमें हमारी गौ माता के
पांच चीज़ें मिली होती हैं, दूध, दही और घी, गोबर, उनका मूत्र, इसको भी बड़े ही साइंटिफिक वे से प्रॉपर रेशियो के साथ, मंत्रों के साथ उच्चारण करके बनाया जाता है, जिससे कि इसका पर्यावरण में बहुत ही अच्छा असर पड़े। और इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में रोगों के प्रति ये बहुत ही बड़ी प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ाता है। वास्तव में गाय माता कोई पशु नहीं है, गाय माता एक चार पैरों पर चलने वाली जो है माता है, विज्ञान है, जो हम अगर उसके बारे में पूरी जानने की कोशिश करें तो पता लगेगा कि वास्तव में गौ माता के अंदर पूरा विज्ञान समाहित है। और धीरे धीरे ये चीज़ें सबको जागरूक भी कर रही हैं कि हमें गौ माता की संरक्षण के लिए आगे बढ़ना है, किसी तरह की उनका हत्या ना हो, उनको कोई परेशानी ना करे, ना कोई उनके साथ इस तरह का कार्य करे कि वो पशु माने जाएं। वो माँ है और माँ के समान हमारे देश में बल्कि विश्व में भी अब माँ मानी जाती है। ऐसी माँ को जिसने हमको सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसके प्रति हमें बड़े ही सहानुभूति के साथ उसके बारे में जानना और समझना है। आपको पता होगा कि ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है हमारे मत्स्य पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है, और इसमें हम सब लोग मिलजुल कर पूरे देशवासी अपनी गौ माता के प्रति जो है सबको जागरूक कर रहे हैं। 25 फरवरी 2021 को एक राष्ट्रीय परीक्षा होने जा रही है, जिसको कि गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा के नाम से ये परीक्षा होगी ऑनलाइन, और इसमें बिना शुल्क के परीक्षा लोग देंगे। इसमें कई लोग भाग ले सकते हैं, चार वर्गों में, प्राथमिक, मध्यम, कॉलेज के स्टूडेंट, आम नागरिक, और इसमें जो है वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और उसको आपको जो है पढ़कर जो अभी हमारे kamdhenu.gov.in में मटेरियल डाला जाएगा उसको पढ़िए आप, और परीक्षा में बैठिए और परीक्षा में बैठकर अच्छे नंबर पाइए, और कामधेनु के बारे में आगे जानिए, लोगों को बताइए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का जो ये संदेश है सबको बताइए, सबका इसका प्रचार करिए, प्रसार करिए, और अपना रजिस्ट्रेशन के लिए kamdhenu.gov.in में जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको किसी तरह की कोई अगर समस्या आती है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में कोई शंका समाधान है, कोई प्रश्न पूछना है, कोई प्रश्न की जिज्ञासा है, तो आप इस पर हमको व्हाट्सएप भेज के या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ इनकी एक्सपर्ट टीम है जो कार्य कर रही है कामधेनु के ऊपर। हम सब आइए मिलजुल कर रजिस्ट्रेशन कराएं और परीक्षा में बैठकर जागरूकता को अपने देश में, अपने विश्व में फैलाएं, और लोगों को कहें कि आइए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और इस परीक्षा में बैठकर जानिए कि हमें गाय के बारे में कितना विज्ञान मालूम है और कितना हमें इसका प्रचार और प्रसार करने में सहयोग देना है। सबको सहयोग देने के लिए निश्चित होकर आप लोग आज से ही लग जाइए और इसको रजिस्ट्रेशन करा के ज़रूर एग्जाम दीजिए, ज़रूर सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए, और ये बहुत ही मनोरंजक एक विज्ञान है जो हमारा प्रकृति का दिया हुआ गौ माता का एक विज्ञान आप सबको नई चीज़ें सिखाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के इस कार्य के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और उनके अध्यक्ष को बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टार स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी।
नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।